हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नंबर सिस्टम का जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन से आपको अवगत कराऊंगा। जो भी क्वेश्चंस रहेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस यूनिक रहेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है चैनल को जो है शुरू से अंत तक वीडियो को देखें और जो है शेयर करें। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें और जो है लाइक करें। और मैं आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा जिससे आपको आगे बढ़ने का इंस्पायरेशन मिलेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है -34 को 5 से भाग देकर शेष ज्ञात करें। तो सवाल है कि ये तो क्लियर है कि कोई संख्या को अगर हम 5 से भाग देंगे तो शेष क्या आ जाएगा। 0, 1 से लेकर 0 से लेके 4 तक आएगा। कोई संख्या को 5 से डिवाइड करेंगे 0 से लेके 4 तक आएगा। अब सवाल है कि -34 है 5 से डिवाइड, अगर -7 से आपका जो भागफल है वह पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है आपका। अब 5 × -7 -35। अब यहाँ ये इसमें ये घटेगा, यहाँ प्लस का चिन्ह, 35 में 34 घटेगा 1। इस तरह से शेषफल इज इक्वल टू 1 आ गया। अब मैं अगले क्वेश्चन में जा रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन है 2 का पावर है 256, 2 to the power 256, इसको 17 से भाग देकर कह रहा है शेषफल ज्ञात करें। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, 2 का पावर 256 17 से डिवाइड करना है। हम इसे चेंज कर देंगे। अब इसे ऐसा कर सकते हैं, 2 का पावर 4, 4 से 4 × 6 = 24, 4 × 4 = 16। अब ये 16 हो जाएगा, 2 का पावर 4 16 हो जाएगा, मतलब 16 का पावर 64। अब यहाँ देखिए, हम अपने सुविधा के लिए शेषफल, जैसे ऐसे शेषफल हमेशा पॉजिटिव बचाया जाता है, अगर आपको सुविधा हो तो नेगेटिव भी शेषफल आप रख सकते हैं। देखिए, अगर एक बार लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा -1। अब हो जाएगा -1 का पावर 64 और -1 का पावर 1/17 हो जाएगा 17। अब 1 में 17 से भाग देंगे तो 1 आया, इसका आंसर आ जाएगा शेष इज इक्वल टू 1। आपका आंसर आया, अगर 2 का पावर 256 को 17 से डिवाइड किया जाएगा तो जो शेषफल आएगा वह 1 आएगा। देखिए, क्वेश्चन है 9 का पावर 6 + 1 को 8 से भाग देकर शेष ज्ञात करना है। अब हो जाएगा 9 का पावर 6 + 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे 8 से 9 में 8 से भाग देंगे तो 1 आया शेष, यहाँ हो जाएगा 1 का पावर 6 + 1। अब 1 × 1 = 2। अब हम लोग 2 में 8 से भाग देंगे तो 2 आया शेष, इसका आंसर आ जाएगा 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन है x² / 1024। x² / 1024 कह रहा है कि एक पूर्णांक हो तो x का न्यूनतम मान ज्ञात करें। तो पूर्णांक अगर है जैसे x² / 1024, यह कह रहा है इंटीजर है ये पूर्णांक है ये, तो हम लोग x का मान ऐसा रखें जैसे इंटीजर, मतलब क्या, जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह आना चाहिए, राइट। तो सवाल है कि अगर x = 32 तो x² = 32 1024। अब x² / 1024 तो x² का वैल्यू 1024 / 1024। देखिए, आ गया पूर्णांक। तो इस तरह से x का मीन वैल्यू हो जाएगा
मीन वैल्यू हो जाएगा, दैट इज 32। देखिए ये जो है फैक्टोरियल 122 है, और फैक्टोरियल 122 को इस तरह भी लिखा जाता है। तो फैक्टोरियल 122 के अंत में कह रहा है शून्यों की संख्या कितना होगा, कितना जीरो होगा। देखिए अब सवाल है 122 है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हो गया 122, 121, इस तरह से ये 1 तक चला जाएगा। मतलब कि 1 से लेकर 122 तक मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में कितना एट द एंड कितना जीरो आएगा। ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे 5 एवं 2 के एक्सपोनेंट पता करें, 5 और 2 का एक्सपोनेंट, और उसमें जो छोटा पावर आएगा वही आपको जीरो का संख्या देगा। तो इसमें देखिए किसका ज़्यादा एक्सपोनेंट आएगा। अब सवाल है कि इसमें जो है 2 का एक्सपोनेंट ज़्यादा है, इसमें 2 का एक्सपोनेंट ज़्यादा है, 5 का निकाल लीजिए एक्सपोनेंट, हो जाएगा 5 के एक्सपोनेंट, अब हो जाएगा 122 बटा 5 का स्क्वायर। अब आगे नहीं बढ़ेगा, ये जो ब्रैकेट है इसको कहते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको शॉर्ट में कहते हैं GIF। तो 5 से इसको काटिए, जो पूर्णांक आएगा उसी को लिखना है आपको, 5 से काटिए इसको, 5 दुना 10 हो जाएगा, 2 पाँचों का 20, और 25 से काटिए, 25 चौका हो जाएगा 100। तो 25 से काटेंगे इसको, 25 चौका 100 आएगा, तो इस तरह से जो है 28 जीरो आएगा। यानी कि इसमें 5 का पावर 28 आएगा, मतलब 28 जीरो आएगा लास्ट में। अगर आप 1 से लेकर 122 तक को गुणा करेंगे नेचुरल नंबर को, तो लास्ट में जो आएगा 28 जीरो आएगा, 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, फैक्टोरियल 1000 और है, फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जाता है। तो अब कह रहा है फैक्टोरियल 1000 के अंत में एट द एंड जीरोस की संख्या ज्ञात करें। अब जीरो की संख्या ज्ञात करना है, तो सवाल है कि फैक्टोरियल 1000 है, इसका अर्थ क्या होगा? 1000 गुने हो जाएगा 999, 998, इस तरह 1, यानी 1 से लेकर 1000 तक गुना करेंगे। इसमें जो है, इसमें 2 के एक्सपोनेंट ज़्यादा है, और 5 के एक्सपोनेंट कम है। तो हम लोग जिसका एक्सपोनेंट कम रहेगा, जब भी ऐसा रहेगा लगातार नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग हमेशा 5 का एक्सपोनेंट ज्ञात करेंगे। अब हो जाएगा 5 के एक्सपोनेंट 1000 बटा 5, और 1000 बटा 5 का ये ब्रैकेट जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और 1000 बटा 5 का क्यूब, 1000 बटा 5 का पावर 4। अब आगे नहीं बढ़ेगा, ये 5 से काटेंगे 200 आएगा, 25 से काटेंगे 40 आएगा, 125 से काटेंगे तो 8 आएगा। तो इस तरह से आया 249, इसमें जो 5 आएगा, 5 का पावर आया 249, इसमें 5 टोटल कितना बार आएगा, 249 बार, और 2 इसमें बहुत ज़्यादा आएगा। तो सवाल है कि आप 2 और 5 को इसमें गुणा कर सकते हैं क्या बार, 249 बार। इसमें जीरो का संख्या जो आ जाएगा, इसमें जो जीरो का संख्या आएगा एट द एंड नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 249।
देखिए फैक्टोरियल 115 है, फैक्टोरियल 115 बटा है 7 का पावर n, कारा एक पूर्णांक हो तो n का संभव मैक्सिमम वैल्यू बताइए। तो इसका अर्थ हो गया, जैसे सवाल है कि फैक्टोरियल 115 जो है ये 115, 114, 113 ये कहाँ तक चला जाएगा, 1, 2 इस तरह एक से लेकर यह जो है 7 का पावर n से कटता है, इसका अर्थ ये हुआ। और n का मैक्सिमम मान चाहिए तो आप इसमें पता कर लीजिए 7 कितना बार आएगा, 7 के एक्सपोनेंट फिर वही आ जाएगा 115 बटा 7। जब भी यहाँ पूछा जाएगा आपको अभाज्य संख्या के बारे में आपको डिस्कस करना है, 7 के एक्सपोनेंट कहेगा तो बटा हम 7 को रखना है, 11 के कहेगा तो बटा हमें 11 को 11 स्क्वायर रखते जाना है। अब हो जाएगा 7 115 बटा 7 का स्क्वायर, आगे नहीं बढ़ेगा, 7 से काटिए, 7 का 7 हो जाएगा, बाकी 4 7 के 42, 49 से दो बार में कटेगा, 49 दूनी हो जाएगा 98। और इस तरह से इसमें जो है इसमें टोटल आएगा, टोटल 7 का पावर 18 आएगा, इसमें 7 क्या बार आएगा, तो फैक्टोरियल 115 7 का पावर n ये पूर्णांक है, तो हो जाएगा n का मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू 18। यानी इसको जो है 7 जो है क्या बार मिलकर काटेगा, पूरा पूरा 18 बार 7 आएगा। देखिए क्वेश्चन है फैक्टोरियल 122 है बटा है 12 का पावर n, कारा एक पूर्णांक हो तो n का संभव महत्तम मान ज्ञात करें, मैक्सिमम मान। अब सवाल है कि ये 12 का फैक्टोरियल 122 सॉरी, तो ये हो जाएगा 122, 121 इस तरह से ये हो जाएगा, जैसे कि 5, 4, 3, 2, 1 एक से लेकर 122 तक। अब इसमें 12 क्या बार आएगा, 12 का निर्माण होगा कैसे, इसका गुणनखंड निकाल लीजिए, अभाज्य गुणनखंड, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुना 3, ये 2 और 3 आ रहा है, इसमें 2 का एक्सपोनेंट निकालिए, अब 2 के एक्सपोनेंट अब होगा 122 बटे 2, 122 बटे 2 का स्क्वायर, 122 बटे 2 का क्यूब, 122 बटा 2 का पावर 4, 122 बटा 2 का पावर 5 और 122 बटा 2 का पावर 6। तो अब नहीं आएगा, अब कितना आएगा इसको काटिए आप। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ जो है भाग देंगे तो आ जाएगा 61 आएगा, 4 से भाग देंगे 30 आ जाएगा, 8 से भाग दीजिए 8 का 8 और हो जाएगा 8 × 5 = 40 और 16 × 7 हो जाएगा, 16 × 7 112, 32 से भाग दीजिए 32 × 96 हो जाएगा और इससे एक बार में लगेगा, हम भाग देते हैं जो भागफल आता है उसे लिखते हैं राइट। तो अब हो जाएगा कितना, 3 × 4 = 7, 4 × 11 = 5, 16 × 17 = 7 बाकी 1 × 6 = 7, 3 × 10 = 11, 11 = 11 117 आया। तो इसमें जो है अब पता कर लीजिए आप जो है 2 का स्क्वायर की संख्या, तो 2 का स्क्वायर की संख्या हो जाएगा, हमको एक बार में 2 को 2 आना चाहिए, तो हो जाएगा 117 बटा 2 आधा दी हो जाएगा। तो अब सवाल है हो जाएगा 2 × 5 = 10, 58 यानी कि इसमें जो आएगा, इसमें जो 4 आएगा पता हमें चल गया, हमें पता चल गया इस स्ट्रक्चर में आएगा 4 कितना बार आएगा, 58 बार आएगा।
अब हमें पता लगाना है तीन का, तीन का पता लगाइए। अब हमें पता करना है थ्री का एक्सपोनेंट। आइए थ्री के एक्सपोनेंट एक फैक्टोरियल हो जाएगा 122 बड़ा थ्री, 122 बड़ा थ्री का स्क्वायर, 122 बड़ा थ्री का क्यूब, 122 बड़ा और आगे नहीं बढ़ेगा 40 हो जाएगा। 9 से काटिए, 9 का 9 हो जाएगा 3, 3 पर 2 32, 9 तिया 27, 27 से कटेगा 27, 4 का 108 कितना आ जाएगा, 4 3 7 1 8 और 4 58। आपने इसमें पता लगा लिया, आपने पता लगा लिया कि आपके पास जो है 3 का पावर 58, यानी 3 क्या बार आएगा 58 बार, 4 58 बार आ रहा है, तो इसको मिला दीजिए अब हो जाएगा फैक्टोरियल जो है 122 बटा 12 का पावर n, 12 का पावर n है तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 122 और यहाँ हो जाएगा 3 का पावर 58 और 4 का पावर 58 फैक्टोरियल 122 12 का पावर 58 तो n मैक्सिमम आएगा इज इक्वल टू 58। हम लोग पता लगा लिए फैक्टोरियल 122 में 12 क्या बार आएगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 12 इज 58। और मैं जितना भी सवाल बताया मैं कोशिश करूंगा आपको पर डे एक वीडियो अवेलेबल कराने का, और सारे क्वेश्चन जो रहेंगे बहुत ही ज़्यादा कोर क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। और मैं आपसे यही कहूंगा फिर लास्ट में, आप सारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक स्टडी करें, शेयर करें, लाइक करें, जो सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।